ओम शांति। आज की तारीख है 12/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, बाबा हम बच्चों को अमर बनाने आए हैं, इसीलिए तो अमरनाथ का गायन। तो बाबा हमको कैसे अमर बनाते हैं, आइए सुनते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञानामृत है, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? उत्तर है, जीवन मुक्ति का रस। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते, वही ज्ञान है, उस पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, हम राज ऋषि हैं। राज शब्द राजाई से जुड़ा हुआ है और ऋषि शब्द त्याग से जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राज योग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। तो इस ही नशे में रहना है। नंबर दो, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर, यानी नाश कर, सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुकतू करना है। वरदान सतगुरु बाबा का पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतींद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्माचारी भव। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है, यही निरंतर अतींद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्माचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतींद्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।